हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर में आई शेडो कैसे बनाते हैं। उसमें आपको तीन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बेबी पाउडर, बेबी पाउडर नहीं हो तो कॉर्नफ्लोर भी चल जाएगा। अगर आप ब्राउन कलर का चॉकलेट पाउडर, अगर ब्राउन बनाना है तो, नहीं तो अजंता के फूड क्रीम भी, फूड कलर आते हैं, आप उन्हें भी डाल सकते हैं। आपको चाहिए वैसलीन, बेबी पाउडर और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं हो तो अल्कोहल भी डाल सकते हैं आप। और अगर आपको और कोई कलर बनाना हो तो आप सूखे आई शेडो भी डाल सकते हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आई शेडो घर पे बनाया जाता है। सबसे पहले आप लेंगे वैसलीन। इसका कोई वो नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच लेंगे आप बेबी पाउडर। बेबी पाउडर इसलिए लेंगे क्योंकि ये साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं करेगा। थोड़ा सा लेंगे आप अल्कोहल। इन तीनों को आप मिला देंगे। अगर आपको रेड कलर का बनाना है तो आप इसमें रेड कलर का सिंदूर भी डाल सकते हैं। आप इसमें इस तरह के अजंता के कलर भी डाल सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो, रेड, ब्राउन, ऑरेंज, इसमें पूरे 12 कलर आते हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा कलर डालें आवश्यकता अनुसार कि आपको कितना डार्क बनाना है। आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं, हमने इसमें ऑरेंज कलर डाला है। और आप इसे हिलाएं। अगर आपको डार्क बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा कलर डाल सकते हैं। देखिए ये अजंता कलर का आई शेडो। अगर आप इसे डार्क चाहते हैं तो थोड़ा सा और डालिए। आप देखेंगे कि ये डार्क कलर हो गया। अगर आपको डायरेक्ट आई शेडो के कलर कोई पसंद है तो आप आई शेडो का कलर भी, सूखा वाला जो शिमर पाउडर में आता है, उसको भी डालकर बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अल्कोहल और डालेंगे। आप देखेंगे कि आपका आई शेडो तैयार है। अगर आप ये आई शेडो लगाएंगे तो आपके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और काफ़ी दिनों तक थोड़ा सा ही आई शेडो काम कर जाएगा आपका।